दिल्ली के दरअसल जामिया नगर में गोली चलाने वाले की पहचान हो गई है। तमंचा लहराकर फायरिंग करने वाला शख्स नाबालिग बताया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा के जेवर का रहने वाला है। नाबालिग आरोपी उसके दादा दरअसल, उससे R9 टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जामिया में प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले युवक की पहचान हुई है, ग्रेटर नोएडा के जेवर का रहने वाले हैं। मैं उसी परिवार के साथ अभी मौजूद हूं। जानते हैं कि घटना से पहले जो गोपाल शर्मा हैं, जिन्होंने ये घटना की है, परिवार से कैसी बातचीत हुई थी, क्या कह गए थे? मेरे साथ उनके दादाजी मौजूद हैं। बाबूजी, आप ये बताइए, जब गोपाल यहाँ से गए थे तो क्या कहते गए थे और कितने दिन से वो आपको लग रहा था कि मेंटली परेशान चल रहे हैं? वो करीब 12-14 दिन ऐसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल बात ही नहीं करता था किसी से। और यहाँ से कह के जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी भाई शादी में जाना, तो मैं आ जाऊँगा दोपहर बाद। बाबा बैग लगा के, लाल सा बैग है ऐसे रंग का, उसे चला गया बस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ पर पढ़ते हैं? बारहवीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जैसे यहाँ से लेकर जामिया तक जाना, इतनी दूरी पर जाना, कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा? मैं तो अंदर घर में पड़ रहा हूँ, चरपाई में। मुझे तो 2 बजे करीब लोगों ने बताई थी, इन पे मोबाइल में पाया, ऐसा ऐसा हो गई भैया। बेटे का ऐसे अचानक कदम उठाना, क्या आप मानते हैं कि कुछ लोगों ने जो अंडर वो वॉच किया है या किस तरह से ऐसे घटनाओं को अंजाम दे दिया? परिवार में उनके अलावा कौन कौन है और उनके पिताजी क्या करते हैं? दुकान करते हैं छोटी सी, एक कंसल्टेंसी की बस। उसकी मम्मी वहाँ पढ़ाती है स्कूल में, 2-2.5 हज़ार के बाद मिल जाए। जैसे जैसे संगठन होता है यूथ स्टूडेंटों का, क्या वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे NSUI है या ABPP है? कुछ नहीं, स्कूल जाना और स्कूल से घर आ जाना बस, और कहीं कुछ नहीं। कभी कुछ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है कि शाहीन बाग पहुंचना है, जामिया पहुंचना है, इस तरह की कुछ उनके व्हाट्सएप पे होता है? ऐसी बात मैंने कभी ना सुनी इसके मुंह से आज तक। ग्रेटर नोएडा से R9 TV के लिए अकरम खान।